हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। बीएससी फिजिक्स की इन ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में मैं प्रोफेसर नथु सिंह विद्यार्थियों गवर्नमेंट पीजी कॉलेज करौली के फिजिक्स डिपार्टमेंट में यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में मैं आप लोगों को ये टीचिंग की नोट्स डे बाय डे लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। विद्यार्थियों, इस सत्र में सन 2021 में 1 जनवरी को आप लोगों को मैंने एड्रेस किया था और सभी को मैंने इस सत्र की बधाई दी थी। विद्यार्थियों, उसी दिन एक और जो विषम परिस्थिति क्रिएट हुई थी, मेरा अपना यहाँ से स्थानांतरण राजकीय आदेश के अनुसार हो गया था। इसके तुरंत बाद में आप विद्यार्थियों के सैकड़ों फोन, सैकड़ों विद्यार्थियों के फोन मेरे पास में आए। निश्चित रूप से उनकी चिंताएं अपने फोनों के माध्यम से वो विद्यार्थी जाहिर कर रहे थे और रफीक जी के पास में भी आपने बहुत सारे फोन करके और उनको भी अपनी परेशानी से, अपनी इस दुविधा से अवगत करवाया था कि आगे भी हमारा कोर्स किस तरह से हो पाएगा फिजिक्स का। विद्यार्थियों, जन भावनाएं काम करती हैं। हमारी अपनी भी एकाग्रता केवल और केवल हमारे विद्यार्थियों में निहित है। हमने अपनी पूरी लाइफ विद्यार्थियों को दिया है, रेगुलर टीचिंग दी है और इस ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से तो आप करौली करौली के नहीं, बाकी राजस्थान के और बाहर के भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो उनको भी फायदा उठा रहे हैं। तो ऑनलाइन टीचिंग के हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ रहूँ या बाहर रहूँ, आपको मैं ये सब कुछ देता रहूँ, लेकिन ऐसा नहीं। आप लोगों की भावनाओं ने, सद्भावनाओं ने और हमारे अपने इस आप लोगों की टीचिंग की रेगुलरिटी ने कहीं ना कहीं काम किया और आज रात में ही वापस जो ट्रांसफ़र, संशोधित ट्रांसफ़र ऑर्डर्स आए हैं उनमें मैं यहीं करौली में ही यथावत रूप से रहूँगा। आप लोगों की टीचिंग कंटिन्यू रहेगी। तो आप अनावश्यक रूप से किसी तरह से चिंतित हो रहे थे कि हमारा सिलेबस नहीं हो पाएगा, कोर्स नहीं हो पाएगा, तो वो कोर्स टाइमली होगा। फिजिक्स में बीएससी पार्ट थर्ड में न्यूक्लियर फिजिक्स को मैंने शुरू करवाया है। न्यूक्लियर फिजिक्स के सारे क्लासेस अगर हम डायरेक्ट टीचिंग में आ जाएंगे तो डायरेक्ट टीचिंग में हमारी क्लासेस हो जाएंगी और नहीं तो ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से मैं पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स ये करवा दूंगा। इसी तरह से बीएससी पार्ट फर्स्ट में मैकेनिक्स का पूरा मैं करवा दूंगा, ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से करवा दूंगा। आप कुछ क्लासेस और लेक्चर्स को हम और बढ़ाएंगे इसी तरह से। और ऐसे ही मैथमेटिकल फिजिक्स जो पार्ट सेकंड का है उसका भी सिलेबस, उसका पेपर मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो ये है। और भी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, दूसरे पेपर्स को आप पढ़ें उनमें भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप मैं टेलीफोनिकली मेरे से शेयर कर लें या कॉलेज में आकर के भी मेरे से आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। तो किसी भी तरह के आप परेशानी में ना रहें, अपनी रेगुलर नियमित पढ़ाई जारी रखें। ये मेरी आप लोगों से एक मैसेज था आज। अब हम हमारा टीचिंग का काम शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज बीएससी पार्ट सेकंड में मैथमेटिकल फिजिक्स में ये लेक्चर 32। आज का टॉपिक है फोरियर सीरीज ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर, एक पूर्ण तरंग दष्टकारी का फूरियर रूपांतरण, फूरियर श्रेणी, पूर्ण तरंग दष्टकारी। तो विद्यार्थियों, ये एक साइनोसॉइडल वेव है, यानी कि एक साइन वेव है। इसका सूत्र हम जानते हैं, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, या ओमेगा टी को अपन
निरूपित करते हैं, जैसे ओमेगा टी इज इक्वल टू एक्स, तो इसमें ये हो जाएगा वी जीरो साइन ओमेगा टी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं एक्स, ये तो साइन एक्स। तो ये निरूपण होता है एक सामान्य साइन तरंग का, ज्या तरंग है। एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी इस प्रकार का होता है जिसमें जितने भी ऋणात्मक अर्धचक्र होते हैं ये सारे के सारे अर्धचक्र धनात्मक हो जाते हैं। जैसे ये जीरो से पाई और पाई से ये टू पाई, टू पाई, तो पाई से टू पाई के मध्य का ऋणात्मक चक्र पाई से टू पाई के धनात्मक चक्र के रूप में, इसी तरह से जीरो से माइनस पाई के बीच का ऋणात्मक चक्र ये धनात्मक में कन्वर्ट हो जाए, यहां इसके आगे का जो आएगा वो भी ये आपके धनात्मक है, तो ऋणात्मक आएगा वो फिर वापस धनात्मक के रूप में हो जाए। तो इस तरह के रेक्टिफिकेशन को, दृष्टिकरण को हम पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। अर्ध तरंग दृष्टिकारी में ये ऋणात्मक वाले इनको काट दिया जाता है, ये खत्म कर दिए जाएं, तो ये अर्ध तरंग दृष्टिकारी होता है जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था। अर्ध तरंग दृष्टिकारी में ये आधा चक्र, फिर ये आधा चक्र, ये माइनस का आधा चक्र यहाँ पे खत्म कर दिया जाता है, तो ये कहलाता है अर्ध तरंग दृष्टिकारी। और एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में ये ऊपर का फिगर है जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के को परिभाषित करता है, ये ये एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का ये निरूपण है। अब इस पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को हम परिभाषित कैसे करें, तो इसकी परिभाषा बनेगी परिभाषा v इज इक्वल टू वी जीरो साइन एक्स। लेकिन ये साइन का सूत्र इसके लिए सही है, इसके लिए सही हो सकता है, इसके लिए सही हो सकता है, साइन का सूत्र सही हो सकता है। और इसमें ये जीरो से पाई तक तो ठीक है, लेकिन ये वाला ठीक नहीं, ये ठीक इसलिए नहीं है कि अगर साइन होता तो ये नीचे होना चाहिए था, लेकिन ये तो ऊपर आया है। ऐसे ही ये भी सही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये अगर होता साइन में तो ये नीचे आता, लेकिन ये ऊपर। तो ये ठीक है, ये वाला ठीक है, लेकिन शेष जो अर्ध हैं आते हैं अल्टरनेटिंग एक के बाद एक वाले वो उल्टे हैं इसमें, तो ये तो पॉजिटिव होगा। इसमें हम ये कह सकते हैं कि x का मान जीरो से पाई के लिए सही है, लेकिन v इज इक्वल टू माइनस वी जीरो साइन x ये लिखा जा सकता है। माइनस माइनस करने का मतलब ये माइनस तो है ही है, और इसको माइनस और कर दे अपन जबरदस्ती तो ये ऊपर चला जाएगा प्लस में, ये प्लस में चला जाएगा, तो ये माइनस ये होगा x का मान कहां से, माइनस पाई से जीरो के। तो ये निरूपण हो गया एक पूरे चक्र के लिए, माइनस पाई से प्लस पाई तक के चक्र के लिए हमारा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का ये गणितीय निरूपण है। तो ये गणितीय परिभाषा हुई पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की। तो इस तरह से है विद्यार्थियों, मैंने आपको अभी पहले भी बताया है कि आपको अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन है आप टेलीफोनिकली मेरे से पूछ लें, या फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कॉलेज में आ जाएं, और कॉलेज में आकर के 12 बजे के नियर बाई 12 आप लोग आकर के या पहले फ़ोन करके मेरे से पूछ लें, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को भी रिमूव करवा सकते हैं। इट इज़ सेफ इक्वेशन नंबर वन। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में भी तरंगे हैं वो रेगुलर हैं एक के बाद एक, इसके पल्स हैं, तो इस तरह की रेगुलर वेव्स जो होती हैं वो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की है, एक जटिल आवर्ती फलन है, और ऐसे जटिल आवर्ती फलन को हम फूरिये श्रेणी से निरूपित करते हैं। फूरिये श्रेणी है एफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो अपॉन टू प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू एक से इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, ये फूरिये श्रेणी। इसमें a0, an, bn ये सारे के सारे नियतांक हैं, और हमारा जो निरूपण है वो निरूपण इस तरह का है। अब पर्टिकुलर अगर मैं बात करता हूं यहां
ये तो जीरो है, यहाँ पे ये पाई बाई टू और ये यहाँ माइनस पाई बाई टू, इधर एक्स ओमेगा टी के रूप में। तो हम ये कहें कि एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू तो वी इज इक्वल टू वी जीरो साइन पाई बाई टू, इसकी वैल्यू आई है वी जी, यानी कि ये पीक वैल्यू वी जी एट एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, वी इज इक्वल टू वी जीरो, एक्स का मान मैंने रखा यहां पर माइनस पाई बाई टू, और जब मैं माइनस पाई बाई टू पर रखता हूं तो ये वैल्यू कितनी आती है मेरे को, ये वैल्यू वही माइनस, ये माइनस पाई बाई टू पर ये वैल्यू भी वी जीरो ही आती है। तो आप ये देखिए कि पाई बाई टू पर वी जीरो और माइनस पाई बाई टू पर वी जीरो, ये आई। तो ये जब माइनस पाई बाई टू पर भी वी जीरो ही आती है क्योंकि इसमें रखेंगे अपन, ये माइनस वाला इधर जाएगा और इधर जाएगा तो यहाँ माइनस है, एक माइनस इस साइन की वजह से बनेगा। जब ये वैल्यू मैं पुट करूंगा तो यहां से मैंने मान रखा क्योंकि ये ऋणात्मक में गया है, ऋणात्मक गया तो माइनस वी जीरो साइन माइनस पाई बाई टू, एक माइनस यहां से निकलेगा माइनस माइनस प्लस होगा और ये वी जीरो, तो दोनों बराबर हुए। इसका मतलब है कि ये फलन एक ऐसा फलन है जिसमें x के स्थान पर माइनस x कर दिया जाए तो f x और f माइनस x दोनों बराबर, और ऐसी स्थिति अगर बराबर आती है तो इस प्रकार के फलनों को हम सम फलन कहते हैं, इवन फंक्शन कहलाते हैं। और सम फलन जब होते हैं तो चूंकि सम फलनों के लिए साइन घटक नहीं होते, ये चीज मैंने फोरियर श्रेणी को जब पढ़ाया था उस स्थिति में बताया था, जब तो साइन घटक नहीं होंगे, और साइन घटक क्यों नहीं होंगे, ये तभी नहीं होंगे जबकि बी एन का मान हम मान जीरो। इसका मतलब यह है कि हमारी जो फोरियर श्रेणी होगी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की, उसमें बी एन का मान शून्य। तो ये ए एन और बी एन को हम सीधा सीधा कह सकते हैं। अगर हमारा ये फलन, ये एफ एक्स फलन ऑड फलन होता तो उस स्थिति में ए वाले घटक शून्य हो जाते, और ये हमने स्क्वायर वेव पोटेंशियल के लिए देखा था। तो ए वाले घटक जीरो हो गए, केवल बी के लिए कैलकुलेशन किया। यहां पर ये सम फलन है तो बी वाला घटक शून्य होगा, ए घटक के लिए हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। इसलिए अब हमारी जो फोरियर श्रेणी होगी दिए गए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए वो होगी ए जीरो अपॉन टू प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू वन टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन एक्स। सो आवर एम इज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए जीरो एंड ए एन। अब हमारा जो एम होगा वो ए जीरो और ए एन को ज्ञात करने का होगा। तो हम पहली चीज इसमें देखते हैं, पहला है कैलकुलेशन फॉर ए जीरो। ए जीरो का सूत्र हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है, वन अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से प्लस एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये हमने इसके मान को कैलकुलेट किया है। तो इसका मतलब ए जीरो इज इक्वल टू वन अपॉन पाई इंटू माइनस पाई से जीरो एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो से पाई एफ एक्स डी एक्स, ये मैंने इसको ब्रेक कर लिया। और एफ एक्स के मान मुझे रखने हैं समीकरण एक से। समीकरण एक में था एफ एक्स इज इक्वल टू वी जीरो साइन एक्स, ये तो था जीरो से पाई के बीच में, और यही मान था माइनस वी जीरो साइन एक्स, ये वैल्यू थी माइनस पाई से जीरो। तो ये मैंने वैल्यू पुट की वन अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से प्लस माइनस पाई से जीरो, और माइनस पाई से जीरो के बीच में ये वैल्यू है माइनस
वी जीरो साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस जीरो से पाई, इसके लिए ये वैल्यू है वी जीरो साइन एक्स इंटू डी एक्स। विद्यार्थियों इस पहले वाले टर्म को हम देखें थोड़ा, और इस पहले वाले टर्म में से ये टर्म का मान है माइनस वी जीरो अपॉन पाई, पाई इसके लिए, तो ये तो भाग गया इस तरह से इंटीग्रेशन माइनस पाई से जीरो साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये इसका मान बराबर होगा अगर मैं x के स्थान पर माइनस एक्स रख देता हूं, क्योंकि हमने देखा है फलन हमारा जो है सम फलन है, तो ऐसी स्थिति में x के स्थान पर माइनस एक्स रखता हूं तो मैथमेटिकली कितना चेंज होगा ये देखें हम गणितीय रूप से। तो गणितीय रूप से जब x के स्थान पर मैं माइनस एक्स रखूंगा तो एक तो ये लिमिट बदल जाएगी, तो माइनस वी जीरो अपॉन पाई तो यथावत रहेगा ही, लेकिन ये लिमिट ऊपर की नीचे हो गई, तो जीरो से माइनस पाई साइन माइनस एक्स इंटू डी माइनस एक्स। अब इसमें देखें हम, एक माइनस चिन्ह यहां से निकलेगा, एक साइन माइनस एक्स का यहां से जाएगा, दो माइनस, माइनस बड़ा माइनस इट बिकम्स प्लस, तो ये तो दोनों प्लस, ये खत्म। और एक जैसे इस माइनस को मैं गुणा करता हूं ऊपर, तो ये तो जीरो लिमिट है और ये लिमिट माइनस की, ये प्लस हो जाएगी, तो अब ये मान मेरे पास में आ गया वी जीरो अपॉन पाई इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स जीरो से पाई। तो विद्यार्थी ये वैल्यू ये है और ये ही वैल्यू दूसरी इसकी ये पता, तो इसका मतलब मेरे a0 के मान में एक तो ये वाला पद और दूसरा ये वाला पद, ये दोनों पद बराबर हैं और इनके मान दोनों के बराबर हैं, और जब इन दोनों के मान बराबर हैं तो मैं इस a0 को डबल करके लिख देता हूं, और ये a0 डबल मान में मेरे पास में इस तरह से होगा a0 इज इक्वल टू वन अपॉन पाई इंटू v0 को मैंने बाहर ले लिया, v0 इंटू साइन एक्स डी एक्स और जीरो से पाई, और ये दोनों के लिए आएगा, पहले टर्म के लिए और दूसरे टर्म के लिए, दोनों के लिए आता है, तो ये वो। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, और इसके इंटीग्रेशन में ये आएगा टू वी जीरो अपॉन पाई इंटू साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स जीरो से, वैल्यू पुट की मैंने तो ये आ जाएगा टू वी जीरो अपॉन पाई इंटू माइनस वन, क्योंकि कॉस पाई और कॉस पाई का मान माइनस, ये कर लेते हैं हम इसको, कॉस पाई इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई माइनस माइनस प्लस, एक माइनस ये है और एक इससे माइनस आएगा प्लस कॉस जी, और ये वैल्यू आएगी टू वी जीरो अपॉन पाई इंटू cos पाई की वैल्यू माइनस वन, माइनस वन से माइनस बड़ा होगा तो ये वन प्लस वन, इट बिकम्स फोर वी जीरो अपॉन पाई, ये वैल्यू एक, तो ये समीकरण मॉडल। तो इस तरह से ए जीरो का कैलकुलेशन हो गया। नेक्स्ट अब हमारा एम है कैलकुलेशन फॉर ए एन। ओके, कैलकुलेशन ए एन इज इक्वल टू सूत्र है वन अपॉन पाई इंटीग्रेशन पूरे के पूरे आवर्त के लिए, यानी कि माइनस पाई से प्लस पाई एफ एक्स, ये गुणा होता है कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। तो यहां इसको भी मैं ब्रेक कर लेता हूं, ए एन इज इक्वल टू वन अपॉन पाई माइनस पाई से प्लस पाई, माइनस पाई से जीरो, एफ एक्स की वैल्यू है वी जीरो साइन एक्स इंटू डी एक्स विद नेगेटिव साइन, क्यों कि
माइनस पाई के से जीरो के मध्य में इस फलन का मान माइनस में ये था, प्लस जीरो से पाई ये वैल्यू प्लस में होती है, तो वी जीरो साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये इसमें भी जैसे मैंने अभी बताया है कि x के स्थान पर माइनस x करके देखते हैं, तो यहां एक माइनस इससे मिलेगा, एक माइनस साइन से मिलेगा, एक माइनस ये है, और एक माइनस में ऊपर होकर के ये माइनस, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। चार माइनस से रिजल्ट जीरो, चार माइनस से रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएंगे, तो जो पद ये है वही पद ये होगा, दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू टू वी जीरो बटे पाई। ये तो ये हो गया टू वी जीरो अपॉन पाई, और फिर यहां रह गया इंटीग्रेशन जीरो से पाई साइन एक्स, एक चीज रह रही है इसमें कॉस एन एक्स, देखो तो ये कॉस एन एक्स और इसमें भी रह रहा है कॉस एन एक्स, तो साइन एक्स इंटू कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको हल करना है, इसको हल करने के लिए मुझे इस दो को यहां से हटाऊं और इस दो को मैं यहां पर ले जाऊं, तो ये डबल ये हो जाएगा और ये होगा टू साइन ए कॉस बी। टू साइन ए कॉस बी का सूत्र होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला मैं यहां पर काम में ले लेता हूं और ये सूत्र मुझे बनेगा वी जीरो अपॉन पाई इंटीग्रेशन जीरो से पाई साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन वन प्लस एन इंटू एक्स प्लस साइन वन माइनस एन इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ये तो ये साइन के रूप में हुई और अब इसको मैं इंटीग्रेट, इसके इंटीग्रेशन का मान होगा v0 अपॉन पाई, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, वन प्लस एन एक्स अपॉन वन प्लस एन, इधर भी साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस वन माइनस एन एक्स अपॉन वन माइनस एन। ये जीरो से पाई इसकी लिमिट, तो ये जीरो से पाई लिमिट भी हमें सब्स्टिट्यूट करनी है, तो ये आएंगे ए एन इज इक्वल टू वी जीरो अपॉन पाई एन। ऐसा करते हैं माइनस चिन्ह को यहां से हम बाहर ले लें और ये माइनस चिन्ह यहां ले लेते हैं, तो ये माइनस चिन्ह तो यहां है और अपर लिमिट लगाई मैंने कॉस वन प्लस एन, वन प्लस एन एक्स के स्थान पर पाई माइनस कॉस जीरो अपॉन वन प्लस एन, दूसरे टर्म में कॉस वन माइनस एन पाई माइनस कॉस जीरो बटे वन माइनस एन। ये लिमिट सब्स्टिट्यूट की और इस लिमिट में अब हम ये देखें कि n के जो मान होंगे वो एक से अनंत तक होते हैं, n के मान एक से अनंत तक, तो उस स्थिति में एक मान रखता हूं मैं इसमें वन, पहले वाली बात इसके लिए हम बात करें तो इस वाले पद n इज इक्वल टू दो चार छ ये ले लें अपन, तो दो और एक तीन और cos तीन पाई का मान माइनस वन और cos जीरो का मान एक, तो माइनस एक और प्लस एक ये जीरो हो जाएगा, चार के लिए भी छह के लिए भी एक, तो इन सब मानों के लिए प्रथम पद जीरो। एन बराबर एक तीन पांच लें
सब मान लेता हूँ। जब मैं एक लेता हूं तो ये कॉस एक और ये कॉस एक, तो ये हो जाएगा ये कुछ उल्टा लिखे अपन, इसमें ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये दोनों माइनस, माइनस एक मिलकर के तो माइनस दो होंगे, तो प्रथम पद का मान माइनस दो होगा। और अब जब एक रखूंगा तो ये टू पाई, कॉस टू पाई का मान प्लस एक और ये माइनस एक, ये जीरो होगा। तो अब यहाँ पर प्रथम पद ये जीरो, तो ये प्रथम पद ये जीरो, इस तरह से आएगा। ओके, अब नेक्स्ट आता है कि एन की वैल्यू इधर इसमें, इस केस में रखे हम इस वाले पर, एन इज इक्वल टू दो चार छ ये रखते हैं, तो उसमें भी हम ये देखें कॉस में माइनस हो चाहे प्लस हो, कॉस तो प्लस ही रहता है। दो रखता हूं तो ये माइनस पाई आएगा, माइनस पाई कॉस में है इसलिए प्लस पाई हो जाएगा, कॉस प्लस पाई का मान माइनस एक और माइनस एक ये माइनस दो, तो ये प्रथम पद में ये, अच्छा ये नीचे बटे वन प्लस एन ये रहेगा, ये इसमें प्रथम पद द्वितीय पद पद समाकलन के बाद वाला, ये इसकी वैल्यू आएगी वही माइनस दो बटे वन माइनस। लेकिन अगर मैं एक रखता हूं एन इक्वल टू एक, तो उस स्थिति में एक माइनस एक जीरो, कॉस जीरो, कॉस जीरो में कॉस जीरो गया तो जीरो, जीरो। तीन रखता हूं तो माइनस का थ्री पाई, माइनस थ्री पाई कॉस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये माइनस तीन और ये एक, तीन में से एक गया दो, तो कॉस दो पाई का मान प्लस एक और ये माइनस एक, जीरो। पांच रखें तो जीरो, यानी कि ये उस स्थिति में इस पद का मान हमेशा शून्य है। तो हम ये कहेंगे कि ए एन इज इक्वल टू माइनस वी जीरो अपॉन पाई इन टू, पहले पद की वैल्यू आई है माइनस टू अपॉन वन प्लस एन, और दूसरे पद की वैल्यू भी माइनस टू अपॉन वन माइनस एन, और यहां से माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस खत्म हो गया, टू कॉमन लिया टू वी जीरो बटे पाई इन, इसमें एलसीएम लिया वन प्लस एन इंटू वन माइनस एन, और ये आएगा वन माइनस एन प्लस वन प्लस एन, तो ये एन कैंसिल हो गया और ये दो यहां से। इसका अर्थ है कि अब हमें जो प्राप्त होगा मान ए एन इज इक्वल टू ये आएगा दो यहां से और दो ये है, तो ए एन इज इक्वल टू फोर वी जीरो अपॉन पाई इंटू वन माइनस एन स्क्वायर, ये दो और ये दो, और इधर से ये वैल्यूज वन माइनस एन स्क्वायर। तो इस तरह से ये ए एन की वैल्यू होगी, ए एन की वैल्यू आप फोरियर सीरीज में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फोरियर सीरीज का मान प्राप्त हो जाएगा। ओके,